Klappat hakten alla barn. Fest, guldfest hela dagen. Det mjöl från livets grotte kvarn. Guldfest, guldfest hela dagen. Hey there, I hope you all are doing good today. My name is Vaidehi and welcome to my channel Brown Life. How can I forget my Diwali glow up? But before that, subscribe to my channel, also like this video, share it with your friends and family, also follow me on my Instagram and let's get started. Starting this video with skin cycling. Let me tell you, skin cycling is a type of facial skincare routine which helps you with exfoliation and skin rejuvenation on a set schedule. And since it's Diwali, facial will deeply cleanse and exfoliate the skin, jo dullness, acne or blackheads ko remove karega. Well, let me introduce you to this amazing product Nude 6-step DIY makeover facial kit, which gives you a diamond like glow. This kit contains 6 sachets, and step 1 is to use cleansing milk, which will help us to remove all the dirt and impurities from our skin. Iska texture jelly hai jo phailne mein aasan hai. You also need to make sure you're massaging your face, neck, nose and chin for 5 minutes, and then you can nicely wipe off your face with a damp towel. Kyunki ye ek skin friendly product hai, ye aapke skin ko clean, soft aur supple banayega. 5 minute face ko clean karne ke baad it's time to exfoliate my skin. अपने फेस को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें। इस फेस स्क्रब के पार्टिकल्स आपके स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेंगे, पोर्स को अनक्लॉग और स्किन को टाइटन करेंगे। Well, this step also works on blackheads and whiteheads. Again, स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद नाउ इट्स टाइम टू मसाज योर फेस। एंड मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, हम जितना अपने स्किन को मसाज करते हैं इट इंक्रीजेस आवर ब्लड सर्कुलेशन व्हिच इंस्टेंटली गिव्स अस अ वेरी नाइस ग्लो ऑन आवर फेस। आई मसाज माय फेस, नेक, चिन एंड माय फोरहेड with this cream for 10 minutes aur massage khatam karke remove all the excess cream with a damp towel. By this point my skin was ready to use a face mask. I applied this Nude face mask for 10 minutes straight. Isne mere skin ko bilkul bhi dry out nahi kiya aur kyunki isme parabens, sulfates, DEA, formaldehyde aur MSG jaise chemicals nahi hai, it leaves your skin with a glowing face, perfect for festive occasion. Once the mask was dried, I again used the damp towel to clean my face. Uske baad I also washed my face taki koi bhi residue mere skin pe ना रहे। द बेस्ट एंड माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस किट वॉज फेस सीरम। इसमें बहुत सुंदर गोल्डन पार्टिकल्स थे एंड इट क्विकली गॉट अब्सॉर्ब्ड इन माई स्किन। आपके स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाएगा। क्योंकि मैंने ये प्रोसेस दिन में फॉलो की थी, आई ऑल्सो नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट माई स्किन। आई अप्लाई न्यूड सनस्क्रीन इवनली ऑन माई फेस, नेक इन एन अपवर्ड मोशन ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। लुक एट माई स्किन, इट्स लुक ब्यूटीफुल। अगर आपको भी ये किट चाहिए, यू कैन परचेज दिस अमेजिंग किट फ्रॉम न्यूड्स ऑफिशियल वेबसाइट और इट्स अवेलेबल ऑन एमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। माई बिगेस्ट कंसर्न हैज टू बी इच स्कैल्प एंड दिस फेस्टिव सीजन आई वांट टू मेक श्योर मेरी स्कैल्प इच ना करे, मेरे बाल ग्लॉसी और शाइनी दिखे और उनमें फ्रिज कम रहे। वेल लेटली आई हैव आल्सो बीन सीइंग सम डैंड्रफ हैपनिंग इन माय स्कैल्प एंड टू ट्रीट माय ड्राई इच स्कैल्प एंड हेयर, हियर इज माय फेवरेट हेयर मास्क। इसे बनाने के लिए यू विल नीड अ बनाना, एलोवेरा लीव, लेमन एंड शहद। नाउ टेक योर मिक्सर ग्राइंडर, उसमें एलोवेरा का पल्प और बनाना एड करके अच्छे से मिक्स कर लो। नाउ इन दिस मिक्सचर आई विल ऐड सम लेमन ड्रॉप। इसकी जगह आप दही या फिर लेमन एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं एंड साथ में हनी फॉर द मॉइस्चर। नाउ अप्लाई दिस हेयर मास्क ऑल ओवर योर स्कैल्प एंड योर हेयर लेंथ। कोशिश करना टू कीप दिस हेयर मास्क फॉर एटलीस्ट 1 आवर ऑन योर स्कैल्प। जब तक ये मास्क स्कैल्प पे है, आई एम गोना मेक अ हर्बल डिटॉक्स वाटर फॉर माय स्कैल्प। यू नीड इज कड़ी पत्ता, तुलसी, हिबिस्कस या फिर हिबिस्कस का पाउडर, ड्राइड रोजमेरी लीव्स, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, 4 से 5 लौंग, एक पतीली में ढेर सारा पानी लो, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करो एंड लेट इट बॉइल। जब पानी बॉइल हो गया, आधा हो जाए, इसे बंद करो, वाटर को स्ट्रेन कर लो एंड योर हर्बल हेयर रिंस इज रेडी। 1 घंटे बाद व्हाइल आई वॉश माय हेयर, आई मिक्स माय शैम्पू विद दिस हर्बल वाटर। बाल धोते वक्त गर्म पानी यूज करना अवॉइड करें। गर्म पानी से आपके बालों के नेचुरल ऑयल को तकलीफ पहुंचती है, आपके बाल ड्राई, सूखे और बेजान दिखते हैं, इसलिए ठंडा पानी इज द बेस्ट वे टू वॉश योर हेयर। आफ्टर दैट आई अप्लाइड सम कंडीशनर एंड सिट फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई वॉश्ड ऑफ माय हेयर। आई हैव नेचुरली कर्ली हेयर एंड इस फेस्टिव सीजन आई रियली वांटेड टू एम्ब्रेस इट। मैं फिर से वही हेयर रिंस यूज करूंगी एज माई स्कैल्प टॉनिक। यू कैन ऑल्सो यूज दिस हर्बल वाटर फॉर योर फेस एंड योर बॉडी। इसे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आई एम गोना टेक सम हेयर क्रीम ताकि मेरे हेयर में मॉइस्चर लॉक हो जाए। और बालों के कर्ल्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए आई अप्लाइड सम जेल सीरम एंड लुक एट माई फेस्टिव अप्रोप्रिएट हेयर। I know
फेस्टिव सीजन है, एवरीवन वांट टू ग्लो फ्रॉम विद इन। वैसे विद इन के लिए तो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन बाहर से ग्लो करने के लिए दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई लव टू डू एवरी सिंगल वीक। आई एम गोइंग टू माइल्डली एक्सफोलिएट माय बॉडी। इसके लिए मैंने लिया है मसूर दाल, थोड़ा सा दही, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा हर्बल वाटर दैट वी मेड फॉर आवर हेयर। कोशिश करना टू डू दिस थिंग्स इन द नाइट ताकि अगले दिन तक आपकी बॉडी रिज्यूवनेट हो जाए और रात भर में सारी गुडनेस भी अब्सॉर्ब कर ले। आई एक्सफोलिएट माय बॉडी फॉर 5 मिनट्स स्ट्रेट। बॉडी एक्सफोलिएट होने से आपके स्किन के डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, विच इवेंचुअली विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी ग्लो करे। इस स्क्रब को रेगुलरली यूज करने से आपकी बॉडी से पिगमेंटेशन कम होगी, आपके बॉडी से टॉक्सिंस बाहर जाएंगे, आपके इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम को भी ये ट्रीट करेगा। वैसे सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आई पर्सनली लव शेविंग माय बॉडी, व्हिच इज व्हाई आई एम गोना टेक माय रेगुलर बॉडी वॉश एंड आई विल शेव माय एंटायर बॉडी। इट विल मेक श्योर माय स्किन इज लुकिंग स्मूथर एंड सॉफ्टर। आई पर्सनली रियली लव शेविंग माय बॉडी, बट अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग है आप वैक्स भी कर सकते हो। ऑल्सो नोबडी इज फोर्सिंग यू टू शेव योर बॉडी, इट्स योर हेयर, इट्स योर कॉल। वंस यू आर डन शेविंग योर बॉडी क्रेव्स फॉर हाइड्रेशन। बाहर निकल के ऑन माय मॉइस्ट स्किन आई अप्लाई सम मॉइस्चराइजर। अ क्विक हैक टू मेक योर बॉडी ग्लो इज टू अप्लाई सम ऑयल बिफोर यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर। माय चैनल इज फिल्ड विद पीपल आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट माय अंडरआर्म केयर रूटीन, अंडरआर्म पिगमेंटेशन, हेयर रिमूवल थिंग एंड व्हाट नॉट। मैं हमेशा बात करती हूं अबाउट अंडरआर्म वैक्सिंग एंड शेविंग बोथ। टुडे इज द डे आई एम गोइंग टू शेव माय अंडरआर्म्स, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू यूज सेम मसूर दाल बॉडी स्क्रब टू एक्सफोलिएट माय अंडरआर्म स्किन। एंड नाउ टू शेव माय अंडरआर्म आई एम गोइंग टू यूज माय बॉडी वॉश एज अ लुब्रिकेंट एंड आई विल स्टार्ट शेविंग माय अंडरआर्म। There are a lot of people who think कि शेविंग करने से अंडरआर्म्स डार्क हो जाते हैं, वैक्सिंग करने से आपकी स्किन झुलस जाती है। Honestly, I have never experienced such things, which is why I cannot comment on that part. But here are some things that I personally love doing for my underarms. हमारे अंडरआर्म्स बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं, which increases bacterial growth. To treat it, I'm gonna use this amazing chandan mask. I tried my best to use chandan stick, but it was taking hell lot of time, so I used chandan powder instead. And to add some anti-aging benefits, I also used hibiscus powder and herbal water that I made for my hair. And now on my clean underarms, I'll apply this mask. And let me tell you why. Sandalwood आपके स्किन को ठंडा रखता है, यह आपके स्किन से बैक्टीरिया और इम्प्यूरिटीज रिमूव करता है, साथ में हिबिस्कस एंटीएजिंग बेनिफिट्स देता है, एंड द हर्बल वाटर दैट वी मेड इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल एंड इज पैक्ड विद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन सी, यूगेरॉल एंड प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन। वंस द मास्क इज ड्राइड, वाइप इट ऑफ, एंड दैट वाज माय अंडरआर्म रूटीन। दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड। हैप्पी दिवाली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।